सोना चांदी सस्ता होने की राह देख रहे लोगों को बजट 2024 में शानदार तोहफा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते हुए गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद देश में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की बाजार कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। गोल्ड बार यानी सोने के बार और सिल्वर बार पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% करने का ऐलान किया गया है और इसी तरह गोल्ड डोर और सिल्वर डोर यानी अनरिफाइंड गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी घटी है जो 14.35% थी और अब 5.35% पर कर दी गई है। वहीं सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं के सिक्के पर भी ड्यूटी को 15 से घटाकर 6% करने का फैसला किया गया है। सोने और चांदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम, इरिडियम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% करने की जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना चांदी और प्लैटिनम की कीमतें कम होंगी। वैसे कस्टम ड्यूटी में कटौती के इस ऐलान से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना इंट्राडे के दौरान 5% से ज्यादा टूट गया है और ये 68,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। कल के मुकाबले सोना करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है और इसी तरह सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 4% से ज्यादा गिरकर 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। सरकार ने ये राहत ऐसे समय दी है जब देश में सोना और चांदी दोनों के भाव लगातार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। सोने का भाव अभी 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास मंडरा रहा है जो साल 2024 की शुरुआत में 63,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। यानी सिर्फ इस साल ही सोने की कीमतों में करीब 15% की तेजी। अब कस्टम ड्यूटी में कमी होने से भाव में नरमी की उम्मीद की जा रही है। मेरा भी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था विपुल जी कि सोने में ऐसा कुछ हम कटौती देखेंगे, बिकॉज पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि खाली बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया, क्योंकि ये माना जाता है कि सोना जो इंपोर्ट हो रहा है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, वो घरों में बंद है, जिसके चलते अब तक हमने कोई एक्शन 10 सालों में देखा नहीं। बट इस बार सरप्राइज टू ऑल, बिकॉज जो CAD के फिगर्स थे वहां से अटकलें लग गई थी कि ऐसा कुछ आ सकता है, बट ये कंफर्मेशन नहीं थी इतना बड़ा कोई स्टेप लिया जाएगा जहां पे बेसिक ड्यूटी 5% कर दी जाएगी, AIDC भी 1% करके कुल मिला के 6% आपकी ड्यूटी हो जाएगी नेट। लेकिन आज हम देखते हैं MCX पे अगर हम गोल्ड के भाव देखें तो लगभग 5.5% की गिरावट या हम बोल सकते हैं ड्यूटी एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोने में आगे तेजी नहीं रहेगी। जिस ढंग से हम US में रेट कटौती सितंबर से देखेंगे, ये एक बड़ा बिग ब्लो रहेगा जो सोने और चांदी को सपोर्ट करे। तो टेम्पररी आज की जो गिरावट है ये एक लेने का मौका है इन्वेस्टर्स के लिए, और जिनके घरों में शादी ब्याह है तो आज एक अच्छा मौका है जहां पे 6% का हम फॉल देख रहे हैं तो एक सस्ता मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक सोने चांदी पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेके चलिए, आभूषण कारोबारी लंबे समय से कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को कम करने की मांग कर रहे थे। कारोबारियों का कहना था कि 15% की दर काफी ज्यादा है और इसके चलते उन्हें हजारों करोड़ रुपए का बोझ सहना पड़ रहा है। सोने के भाव आसमान पर होने से मांग पर भी असर पड़ रहा था। सोने चांदी की मांग, खासतौर पर जेवराती मांग, कम हो रही है। भाव ज्यादा होने के चलते वैवाहिक सीजन में भी मांग को बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाया था। बहरहाल इस बार के बजट में मोदी सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग पूरी करके सोने चांदी की कीमतों में कमी की राह आसान कर दी है।